नमस्कार दोस्तों, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 12th of December 2023 ट्यूजडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.99, सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन इन बिटवीन 104.30 ऑन द हाइट साइड एंड 103.30 ऑन द लोअर साइड। ये कंसोलिडेशन के बाद ये क्या करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। क्या ये ऊपर की तरफ फर्दर जाते हैं? इन सच केस 104.90 से 105.10 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। डॉलर रुपी साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहे हैं, नथिंग न्यू, सो नो फर्दर डिस्कशंस। जस्ट वी नीड टू वेट फॉर योर रेंज ब्रेकआउट। जीबीपी डॉलर जो है आपका 1.2568 एंड ये आपका कल का दिन में मींस न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडल ही बने, ऑल्दो ग्रीन इन कलर, ज्यादा कुछ हलचल नहीं है। एंड ऊपर की तरफ आपका 1.261020 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। उसमें क्या, उस लेवल पे आने के बाद क्या रेजिस्टेंस, मींस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आते हैं। एंड इन द मीन टाइम आपके ये जो 8 दिसंबर का लो है, इसके लो के नीचे एक फर्दर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम यहां पे देख सकते हैं। जीबीपी आईएनआर कल के दिन एक डोजी कैंडल इन ए शॉर्ट रेंज। अभी हमें देखना है ये 8 दिसंबर का लो, 8 दिसंबर के लो के नीचे एक फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपको एक, लेकिन उसमें भी ज्यादा कुछ माइलेज नहीं मिलेगा बिकॉज 103.90 से 104.00 पे इमीडिएट एक सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यूरो डॉलर में भी एक तरह की डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। बेसिकली क्या हो रहा है, आज के दिन यूएस सीपीए डेटा है एंड टुमारो आपका एफओएमसी रेट डिसीजन से, सो मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, ज्यादा कुछ हलचल नहीं करेगा। एक बार डेटा आ जाता है सीपीआई डेटा यूएस का, एंड देन उसके बाद एक कल मींस आज शाम को एक हलचल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दैट डेटा इज रिलीज्ड, एंड उसके बाद फिर एफओएमसी रेट डिसीजन के बारे में हलचल हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यूरो डॉलर जो है आपका अभी 1.0765, यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, एक इनसाइड बार टू 8 दिसंबर कैंडल। अभी 8 दिसंबर कैंडल के लो के नीचे एक फर्दर कंटिन्यूशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हेयरएज अभी 7 दिसंबर के हाई के ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड बायस हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर में स्मॉल डोजी कैंडल्स, सो यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। लोअर साइड में आपका 89.50, इस रेंज के बाहर ही एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबली टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 89.10। डॉलर येन में कल एक अपवर्ड बायस हमने देखे थे जो आपको 146.58 तक लेके गया था, एंड उसके बाद एक सेलिंग बायस हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो 146.20 के आसपास एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसी लेवल पे क्या सेलिंग अपॉर्चुनिटी आता है वो हमारा देखना था, एंड वही हो रहा है। अभी आप आरएसआई देखोगे, डेली आरएसआई ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस 14 कमिंग डाउन, दैट मींस दिस, अगर ये आज के दिन एक अच्छा खासा एक नेगेटिव कैंडल बनते हैं पोस्ट सीपीआई डेटा, तो जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी येन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर येन में। एंड येन आईएनआर में कल के दिन में एक अच्छा खासा सेलिंग हमने देखा है, एंड उसके बाद अभी ये लेवल इज वाज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड उसके बाद यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सीपीआई डेटा इज वेरी इंपोर्टेंट क्रूशियल, सो उसके बाद ही एक मोमेंटम आएगा। टिल दैट टाइम हमें थोड़ा सा मार्केट को, प्राइस को देखना है, बट यहाँ पे जो एक इनिशियल क्लू आ रहा है कि आरएसआई ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60, क्या आज के दिन क्लोज होते होते ये सपोर्ट बरकरार रहेगा, एंड कल का जो हाई है यानी 11 दिसंबर का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज देगा। इन सच केस एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी इस ईयर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी आपका
अभी है 1.3560, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करने देते हैं। अभी हमें देखना है कि क्या ये RSI 60 में सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं या 60 को सपोर्ट ना लेते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। दीज आर द टू प्रोबेबिलिटीज यू कैन एक्सपेक्ट। क्या इसके क्या करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया $0.6588 जो हमारा एक्सपेक्टेशंस है कि दोबारा ये 8 दिसंबर के हाई के ऊपर इमीडिएट हाई को टेस्ट करेगा, देन 6720 एंड देन 6780 से 6800 की तरफ। तो यहाँ पर हल्का सा कंसोलिडेशन हो रहा है, एक बार यूएसएफआई डेटा आने देते हैं, उसके बाद क्लैरिटी आएगा। डॉलर सीएनएच 7.1855, अच्छा खासा यहाँ पे अपवर्ड बायस हम देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली हायर लो बना रहे हैं। देयर विल बी केस कि आने वाले दिनों में ये 7.24 7.24 7.25 7.24 से 7.25 की तरफ जाते हैं एंड वहां पे जाके क्या रेजिस्टेंस लेते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। ब्रेंट को 76.60 ये लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, कौन सा लेवल सपोर्ट एरिया पे सर कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस सेक्शंस बना रहा है। यहाँ पे अभी हमें देखना है क्या ये और भी थोड़ा बाइंग करके इस लेवल पे 78.70 79.00 लेवल पे रेजिस्टेंस लेते हैं या यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड नीचे की तरफ मींस ब्रेक डाउन करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। यूएस 10-year ट्रेजरी 4.227 यूएसपी डेटा के लिए इंतजार कर रहा है मार्केट। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि डेली आर से यहाँ पे 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या 40 सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे आता है, उसको हमें देखना पड़ेगा। एंड यूएस 2-year ट्रेजरी ये भी आपका एक कल के दिन में एक इन्वर्टेड पिनवर्ट बनाया है एट सेंटरमेंट, हालांकि ये तो एक बहुत बढ़िया सा नेगेटिव सिग्नल से, लेकिन आज का यूएसपी डेटा के बाद क्या प्राइस कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है या फर्दर नीचे की तरफ जाता है ये हमें देखना पड़ेगा। सो ओवरऑल आज का सीपीआई डेटा का ऊपर पूरा का पूरा मेजर है, टिल द टाइम थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन थोड़ा मेजर मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही हम सोचेंगे। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना है, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको देखने के कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।